कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग डर जाते हैं। यह एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इस बीमारी की चपेट में हर साल लाखों करोड़ों लोग आते हैं। पिछले कुछ सालों से इस बीमारी के शिकारी बच्चे भी बन रहे हैं। यह बीमारी प्रदूषण, केमिकल्स, खानपान की चीजों में मिलावट की वजह से और गलत जीवन शैली की वजह से होती है। कैंसर एक अनुवांशिक रोग भी है। यदि किसी आदमी को कैंसर है तो उसके बच्चे पर भी इसका खतरा मंडराता रहता है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को कैंसर से दूर रखना है तो आपको उसके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव अभी से डालने शुरू करना होगा। जैसे कि हरी सब्जियां और फल खिलाएं। आमतौर पर बच्चों को फास्ट फूड ज्यादा पसंद है और वो फास्ट फूड के चक्कर में हेल्थी फूड खाना बंद कर देते हैं। फास्ट फूड के सेवन से कैंसर की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए ही उन्हें हरी सब्जियां और फल खिलाएं। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद है। नंबर दो, चीनी और नमक का इस्तेमाल बेहद कम करें। नमक और चीनी का सेवन से शरीर में एसिड बढ़ जाता है। इसके कारण कैंसर कोशिकाएं के पनपने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा चीनी से डायबिटीज और नमक खाने से ब्लड प्रेशर जैसे रोग भी हो जाते हैं। सही तरह से भोजन पकाएं। खाने के साथ साथ खाना बनाने का तरीका भी थोड़ा सा बदलाव लेकर आना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप और आपके परिवार कैंसर जैसे रोग से दूर रहे तो आप खाने को माइक्रोवेव में पकाने बंद कीजिए, क्योंकि इसके खाने पकाने से पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। इससे बचने के लिए आप खाने को भाप में पकाने की कोशिश करें। जी हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को ठंडा खाना दोबारा गर्म करके ना दे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अध्ययन में अनुसार रेड मीट खाने से प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा रहता है। बच्चों की जीवन शैली को सही रखें। आजकल के बच्चे सिर्फ वीडियो गेम्स और मोबाइल पर अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बाहर जाकर खेलना पसंद नहीं करते, तो इससे भी कैंसर के साथ साथ और सारी बीमारियों के भी शिकारी बन जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की आदतों का थोड़ा सा बदलाव कीजिए। जैसे बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर व्यायाम करने के आदि डालें और देर रात तक मोबाइल ना यूज करने दें। जल्दी सोने का भी आदि डालें। क्यूरिन हेल्थ डेस्क से आंचल की रिपोर्ट।